मुल्क भर में मशहूर आदिवासी तेल क्या है एक बड़ा स्कैम। कैसे ये तेल बेचने वाले तेल को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज और कंटेंट क्रिएटर्स को लाखों करोड़ों में पैसे दे रहे हैं, आखिर कहां से ये इतना पैसा ला रहे हैं। 3 हफ्तों में बालों को लंबा और घना कर देने का दावा करने वाला आदिवासी हेयर ऑयल क्या सच में काम करता है? और पाउडर बना के 4 से 5 आज है आदिवासी हेयर ऑयल जिसे की बनाते हैं ये लोग हैं हक्के पिक्की सभ्यता के आदिवासी। किस तरह से केमिकल्स का इस्तेमाल करके इस तेल को बेचने वाले लोगों को कुछ वक्त की खुशी देकर उनसे हजारों रुपए हेंट कर चले जाते हैं। क्या इस तेल को सच में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया था? किस तरह से ये लोग इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके उन्हें लाखों रुपए देकर लोगों को बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं? क्या है ये सभी दावे जो आदिवासी तेल पर किए जा रहे हैं? इस खबर की सच्चाई क्या है, साइंस क्या कहती है, चलिए तफसील से जानते हैं। नकली नहीं असली आदिवासी तेल लगाओ तो आपके बाल भी बेहद ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, ये बातें तो पिछले काफी वक्त से आपने भी बेहद ज्यादा सुनी होंगी। पर अगर कोई ये कहे कि ये असली आदिवासी तेल भी एक स्कैम है तो क्या हो? अच्छे और खूबसूरत बाल होना हर किसी की ख्वाहिश होती है, क्योंकि बाल एक तरह से आपका जेवर होते हैं जिनसे आप बेहद ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। जिस तरह का आजकल का रहन सहन है, इसमें कई लोग बालों के झड़ने से, काफी ज्यादा बाल गिरने से, कमजोर बाल होने से, या फिर कम बाल होने से, या फिर गंजेपन से बेहद ज्यादा परेशान है। ऐसे में कई लोग साइंस की तरक्की से महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, पर कई मिडिल क्लास लोग ऐसे नुस्खों की तलाश में रहते हैं जिनसे कोई करिश्मा हो जाए, उनके बाल अच्छे हो जाए। और ऐसे ही लोगों की तलाश खत्म हुई आदिवासी तेल पर, जो दावा करता है कि उसमें कई सारी जड़ी बूटियां हैं और वो 3 हफ्तों के अंदर ही बालों को लंबा, घना और मजबूत बना देता है। इस तेल के लोगों में पहुंचने के साथ ही मार्केट में स्कैमर्स भी तेज हो गए और कई सारी शॉपिंग एप्स पर अलग अलग तरह से फेक आदिवासी तेल आने लगे, जो कि एक के साथ एक फ्री का डिस्काउंट पर लोगों को मिलने लगे और लोग इस फ्रॉड में भी आने लगे। इसके बाद असली आदिवासी तेल वालों ने खुद के वीडियोस बनाकर सामने आना शुरू किया और लोगों में उन्हें लेकर अवेयरनेस लाना शुरू की। इसके साथ ही साथ उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने साथ इसमें शामिल करना शुरू किया और उन्हें भी अपनी कहानी सुनाई कि वो हक्की पिक्की कम्युनिटी के हैं, कुछ लोगों ने उनके तेल के नाम का गलत इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया, पैसे कमाए और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर ये लोग ये दावा भी करते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके तेल को प्रमोट किया है, इसलिए वो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है और उनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए उनके असली आदिवासी तेल को प्रमोट किया जाए। लगभग हर किसी इन्फ्लुएंसर ने इनके तेल को प्रमोट किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलते ही जितने इन्फ्लुएंसर सामने आते हैं, लगभग सभी इनको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके इलाके में उनसे मिलने कई इन्फ्लुएंसर्स गए हुए हैं, सोनू सूद तक उनसे मिलने पहुंचे हैं। सभी लोगों ने उन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया। अब उन्हें प्रमोट करने के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वजह हो सकती है। कुछ लोगों ने इन्हें इस वजह से प्रमोट किया है क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स, उनकी रीच देखकर एक अच्छा खासा पैसों का अमाउंट ऑफर करते हैं, जो कि हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होता है। यानी अच्छी फॉलोइंग और रीच वाले इन्फ्लुएंसर को एक बार की वीडियो में उन्हें प्रमोट करना है और लाखों कमा लेने। वहीं दूसरी कैटेगरी के लोग इन्हें इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि वो ये तो जानते हैं कि पैसे मिलेंगे, पर उन्हें ये भी लगता है कि कम से कम वो लोगों की मदद करें। इस तेल से लोगों के बाल आ जाएंगे, उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी और वो फर्जी तेल के फ्रॉड में भी नहीं फंसेंगे। अब लोग फंसते हैं यहाँ से कि इन वीडियोस में ये कहीं नहीं बताया गया होता कि ये सभी पेड वीडियोस होते हैं। उन्हें वहाँ जाने के लिए फ्लाइट की टिकट, रहने का इंतज़ाम, खाना पीना और बाकी सभी चीज़ें करके दी जाती हैं और इसके साथ ही उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं। बल्कि लोग इसे स्कैम अवेयरनेस वीडियो की तरह बनाते हैं, जिनसे कई मासूम लोग सच में ये समझते हैं कि शायद उन्हें सच्चाई ही दिखाई जा रही है। लाखों में एक इन्फ्लुएंसर को देना और करोड़ों में एक इन्फ्लुएंसर को 360 प्रमोशन, यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, हर जगह एक बार तेल की प्रमोशन के लिए देना, जरा सोचिए ये कैसे मुमकिन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर दिन सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देना प्रमोशन के लिए, आखिरकार ये इतना पैसा ला कहाँ से रहे हैं और कहाँ से लोगों को दे भी रहे हैं? चलिए अब बात कुछ फैक्ट्स की करते हैं कि आखिरकार ये शक के घेरे में कहां से आ गए। बात अगर तेल की करें तो ये लोग प्रमोशन के वक्त कुछ मर्द और औरतों को दिखाते हैं जिनके लंबे बाल होते हैं और कहते हैं कि इस तेल की वजह से बाल मजबूत और लंबे हो जाएंगे, जिसका प्रूफ उन लोगों के खुद के बाल हैं। पर इस बात को बिल्कुल भी यहाँ नजरअंदाज किया जाता है कि ये उनके जेनेटिक्स पर भी निर्भर होता है। दूसरा, ये दावा करते हैं कि इस तेल से नए बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं।
साइंस जितनी तरक्की कर चुकी है उसमें ये बात भी सामने आई है कि जब चमड़ी के एक हिस्से पर बालों का उगना बंद हो जाए तो वो एक बंजर जमीन की तरह हो जाता है और वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट ही किया जाता है। इसके अलावा बालों के लिए मेडिकली PRP ट्रीटमेंट होता है जो निडल्स के जरिए आपके स्कैल्प में किया जाता है और उससे भी आपके बालों का ग्रोथ मजबूत होता है, लेकिन सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से ही उस जगह पर बाल दिख सकते हैं जहाँ कभी भी बाल थे ही नहीं। पर ये तेल बेचने वाले ये कहते हैं कि कुछ जड़ी बूटियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं, यानी वो बेहद कम मिलती हैं और सिर्फ उन्हीं के गांव में मिलती हैं जिससे वो ये तेल बनाते हैं। पर सवाल ये है कि अगर ये जड़ी बूटियां इतनी ही रेयर हैं तो फिर इनके इलाके में इतनी ज़्यादा कैसे हैं जो ये पूरा का पूरा गाँव मिलकर तेल बनाकर बेचा चला जा रहा है। हर दिन हज़ारों लोग इनसे तेल को खरीद रहे हैं और ये जड़ी बूटियाँ इतनी जल्दी वापस से उग कैसे रही हैं। दूसरी बात, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के इलाके में मिलती है? अगर कोई जड़ी बूटी है तो वो दुनिया के किसी और दूसरे कोने में भी तो उगती होगी ना। मिसाल के तौर पर अगर केसर कश्मीर की खासियत है, क्योंकि केसर का उगने के लिए वैसी ज़मीन का होना या वैसे क्लाइमेट और टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, तो इसी तरह का क्लाइमेट और ज़मीन ईरान में भी पाई जाती है। वहाँ भी केसर उगता है और उसकी क्वालिटी भी कश्मीर के मुकाबले में बेहतरीन है। तो इसी तरह से ये जड़ी बूटियाँ दुनिया में किसी और जगह क्यों नहीं मिलती? शक के घेरे में लाने वाली अगली बात ये है कि ये लोग जो बड़ी पेमेंट्स इन्फ्लुएंसर्स को करते हैं वो उनके पर्सनल अकाउंट से करते हैं और पर्सनल अकाउंट में करते हैं। इस तरह से ये GST को भी बचा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स पर GST देना पड़ेगा जिससे ये बचाते हुए पर्सनल अकाउंट्स में पैसे डालते हैं, जबकि कोई ऑथेंटिक और प्रोफेशनल फर्म ऐसी चीज़ें कभी नहीं करेगी। वो प्रोफेशनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में पेमेंट करेगी। और इतना ही नहीं, जब आप इनसे तेल ऑर्डर करने के लिए बात करते हैं तब भी ये सीधा आपको एक मैसेज भेज देते हैं जिस पर 500 ml या 1000 ml की बॉटल के पैसे लिखे होते हैं और साथ ही आपकी डिटेल्स पूछी गई होती हैं। पर उस पर कोई भी ये नहीं पूछता कि आपके बालों की क्या परेशानी है। यहाँ तक कि हमने खुद एक नंबर पर इस चीज़ को लेकर मैसेज किया, उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने वो मैसेज हमें भी भेजा। इसके अलावा भी जब हमने उन्हें लिखा कि हमें क्या क्या परेशानी है तो उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेज दिया जिसमें कहा गया कि अपना पिन कोड वगैरह सब भेज दीजिए, ये तेल डैंड्रफ, बालों का झड़ना, कमज़ोर बाल होना सब पर काम करता है। ये सुनकर हम खुद भी हैरान हो गए कि इन्होंने बिना वजह जाने ही बस अपने तेल बेचने पर तवज्जो रखी, जबकि दूसरी तरफ कई ऐसी कंपनियां जैसे स्किन क्राफ्ट है या लोग हैं वो पहले आपको हेयर केयर प्रोडक्ट्स देने से पहले आपसे उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, आपके स्कैल्प को एग्जामिन करते हैं, आपकी डाइट आपसे जानते हैं, आपको वजह बताते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी चले जाएँ तो वो भी आपके बालों का पहले जायज़ा लेते हैं, आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं और साथ ही दवाई भी देते हैं। आज तक साइंस ने भी कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई जो हर तरह की बालों की परेशानी पर काम करती हो, लेकिन ये लोग ये दावा करते हैं कि इनका ये तेल ऐसा कर सकता है। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि आदिवासी तेल ने उनके लिए जादू की तरह काम किया है और उनके बाल बेहद ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस तेल को लगाने से आपके बाल अच्छे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। जब हमने भी इस बारे में कई एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तेल में मिनोक्सिडिल केमिकल के होने का इम्कान है। मिनोक्सिडिल एक ऐसा केमिकल है जिससे जब आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल कुछ ही हफ्तों के अंदर इतने बेहतरीन दिखने लगेंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। बाल घने और लंबे होने लग जाएंगे, जहां बाल नहीं थे वहां भी बाल आएंगे, लेकिन जिस दिन आपने इस केमिकल को इस्तेमाल करना बंद कर दिया आपके जितने भी बाल उगे हुए थे वो जड़ से कमज़ोर होकर गिर जाएंगे और आपके अपने बाल भी बेहद बुरी हालात में पहुँच जाएंगे। अगर आप गूगल भी करके मिनोक्सिडिल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि ये किस तरह का केमिकल है और कैसे इसके इस्तेमाल से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, साथ ही उन्हें इसकी आदत भी लगाई जा सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी डोज कभी बढ़ती है और ना ही घटती है, लेकिन जिस दिन इसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया उस दिन बालों की ऐसी हालत हो जाएगी जिसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास कई ऐसे लोग भी आए जिन्होंने हमें ये बताया कि उनके इस आदिवासी ओरिजिनल तेल से बाल इतने ज़्यादा झड़ना शुरू हो गए जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। स्क्रीन पर आप ये कैप्शन देखिए, ये एक शख्स ने डाली है जिसमें उसने साफ साफ इस स्कैम के बारे में बताया है और कहा है कि ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन इस तेल में शामिल किसी भी इंग्रेडिएंट का नाम जाहिर नहीं करते, ना ही कोई बैच नंबर देते हैं और ना ही कोई GST नंबर, ना तो रेगुलेटरी बॉडी इनकी सेफ्टी को वेरीफाई कर रही है और ना ही उसके असर को। फेसबुक पर भी कई लोग इस तेल के हवाले से अब वीडियोस डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इसे लगाने के बाद उनके कितने बाल गिरने लगे हैं। ये लोग ये भी दावा करते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें प्रमोट किया है,
जिसकी एक छोटी सी क्लिप लोगों को मिस इंटरप्रेट करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वाजे कर दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें और इनके तेल को कभी भी प्रमोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने हक्की पिक्की कम्युनिटी को प्रमोट किया है, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और ये लोग उन लोगों के नाम पर ये स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। कहीं लोग ये तक कह रहे हैं कि ये तेल बेचने वाले खुलेआम ऐसे फर्जी दावे कर रहे हैं, पर IMA या कोई मेडिकल अथॉरिटी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये लोग ट्राइबल कम्युनिटी के नाम का इस्तेमाल करके मुल्क के मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर थोड़े दर्द वाला और पैसे लगने वाला और वक्त भी लगने वाला PRP ट्रीटमेंट या फिर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट होगा, और दूसरे रास्ते पर ऐसे ही कुछ हफ्तों में अच्छे बालों का दावा करने वाला कम पैसों में बिना दर्द वाला तेल होगा, तो ज्यादातर लोग इस तेल की तरफ ही जाएंगे, जिससे वो एक बहुत बड़े स्कैम में भी फंस जाएंगे और उनके खुद के बालों से भी वो हाथ धो बैठेंगे। ये बात वाजे कर दूं कि ना तो हमारी आदिवासी तेल एंड कंपनी के साथ कोई जाती दुश्मनी है, ना ही परेशानी, लेकिन इस खबर को बनाने तक का मकसद सिर्फ आप लोगों को आगाह करना था, ताकि आप और आपके अपने इस स्कैम में फंसने से बच जाएं। देखिए, इसके अलावा सच और क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये जो बातें हमने आपके सामने पूरी तरह से रखी हैं वो फैक्ट्स और सबूतों की बुनियाद पर है। इसलिए हम भी सरकार से ये कहेंगे कि वो इस मामले को संजीदगी से लें, ताकि इन लोगों पर कोई कार्रवाई करके सच क्या है उसकी तह तक जाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।